एनएसयूआई के अध्यक्ष नीरज कुंदन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज जी, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या स्टैंड आपका? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2013 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि बीबीसी जो है सबसे जो है अच्छा एजेंसी है, क्रेडिबल एजेंसी है, परंतु आज वही एजेंसी जब इनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री निकालती है तो उसको तानाशाही की तरह जो है पूरे देश में जो है उसको बैन किया जाता है। ये बोला जाता है कि वर्तमान के जो प्रधानमंत्री है बाहरली ताकतें जो है उनके प्रोपोगंडा के तहत उनकी छवि खराब करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं एमएई से, यही जब डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के खिलाफ बनती है, इंदिरा गांधी जी उस देश के लिए जो शहीद हो गए उनके खिलाफ बनती है, तो तब उसके प्रोपेगेंडा क्यों नहीं कहा जाता? मुझे लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्री सामने आनी चाहिए और देश की जनता है वो तय करे कि क्या सही है क्या गलत है। आपको लगता है कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, और हम तो इसको, हमने तो एनएसयूआई ने कल से बोला भी है, हम इनको जो है इस देश के कैंपसेस में जो है इसको दिखाएंगे, स्टूडेंट इंटरेक्शन प्रोग्राम्स में हम इसको दिखाएंगे और इस देश के छात्र जो है वो डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है। एके एंथनी के बेटे जो है वो कांग्रेस छोड़ देते हैं, ये उनका व्यक्तिगत राय है, आप उनसे पूछ सकते हैं जाके, लेकिन उनके पिताजी तो अभी भी कांग्रेस में हैं, अब वो अपने घर में जाके डिसाइड करेंगे कौन कांग्रेस में है कौन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो साफ तौर पे आप एनएसयूआई के अध्यक्ष को सुन सकते हैं जो बता रहे हैं कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है वो बिल्कुल सही है और हम कोशिश करेंगे कि हर किसी को ये डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।